हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स जहां आपको 100 परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है साथ ही आप यहां पर सी यू टी एन एस सी ओलम्पियाड जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो हंड्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन ऐसी so, अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता योर आई टी एडुकेटर फॉर क्लास नाइन्थ क्लास नाइन्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड फोर जीरो टू का पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं सब्जेक्ट स्किल्स के यूनिट फाइव डिजिटल प्रेजेंटेशन के नाइनटीन्थ चैप्टर की यस स्टूडेंट्स चैप्टर एटीन हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और आज बारी है चैप्टर नाइनटीन की शुरुआत की जिसका नाम है यूजिंग इमेजेस इन प्रेजेंटेशन हम जानेंगे इस चैप्टर में कि कैसे आप प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स में इमेजेस को एंटर करते हो इमेजेस का किस तरीके से यूज करते हो बेसिकली ठीक है सो इमेजेस वाला पार्ट बेसिकली इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन में टेबल कैसे ऐड करना है टेबल में डेटा कैसे एंटर करना है किस तरीके से टेबल को एडिट करना है फॉर्मेट करना है बैकग्राउंड सेट करना है बॉर्डर वगैरह सेट करना है ये सारी चीज़ें डिस्कस किया था राइट उसके प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं स्लाइड्स पे कैसे वर्क करना होता है किस तरीके से आप स्लाइड्स को एडिट फॉर्मेट कर सकते हो नई स्लाइड कर सकते हो डिलीट कर सकते हो स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है पे हम कर रहे हैं में किस तरीके से करते कितने तरीके होते हैं राइट, सो कुल मिला इस चैप्टर का मोटिव आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि इस में के बारे में हमें पढ़ना है और आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे साथ ही कितने तरीके होते हैं इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए हाउ टू इंसर्ट इमेजेस इन स्लाइड्स वो समझेंगे सो अपार्ट फ्रॉम दिस इस बुक का क्लास नाइन्थ आई का पार्ट ए इम्प्लॉयिलिटी स्किल्स को भी हमने कंप्लीट कर लिया है जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक इंप्लॉयिलिटी स्किल्स के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनके लिए ये न्यूज है कि इंप्लॉयिलिटी स्किल्स में पार्ट ए में जितने भी चैप्टर्स हैं सभी कंप्लीटेड हैं सभी चैप्टर्स के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स वन शॉर्ट रिविजन असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यूज एवरी थिंग कंप्लीटेड साथ ही पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स का यूनिट वन टू थ्री फोर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एवरीथिंग भी कंप्लीटेड कैसे एक्सेस कर सकते हो आप यूट्यूब प्ले लिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में वहां से एक्सेस कर सकते हो या फिर आप मैग्निक वेबसाइट का यूज कर सकते हो या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को हंड्रेड फ्री कितनी भी बार देख सकते हो और इसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की नीड नहीं होती है राइट right? सो so चलिए शुरुआत कर लेते हैं चैप्टर 19 की और देखते हैं इमेजेस के बारे में ठीक है कि कैसे आप स्लाइड्स में इमेजेस को ऐड करते हो देखो अब जब बात इमेज की आती है मींस कि कोई भी चीज जब आपके सामने थ्योरिटिकली रख दी जाए ठीक है मतलब हम बात करें आपके सामने खूब पैराग्राफ वगैरह लिखे हुए हैं भर भर के पेज लिखे हुए हैं और बोला इसको पढ़ो और समझो सो so, क्या वो चीज आप पढ़ के ईजिली समझ सकते हो नहीं एक टाइम आएगा आप बोर होने लगोगे कि इतना सारा कौन पढ़ेगा कौन समझेगा लेकिन यदि वही सेम चीज़ आपके पास पिक्टोरियल फॉर्म फॉर्म में हो ग्राफिकल फॉर्मेट में हो टेबुलर फॉर्मेट में हो ठीक है सो रिटर्न तो हो टेक्चुअल फॉर्मेट में तो हो बट साथ में उस चीज़ को आपको पिक्चर्स के साथ ऑडियो वीडियो के साथ ग्राफिक्स के साथ इमेज़ के साथ समझाया जाए तो वो चीज़ हमें जल्दी समझ में आती है हम उसे ज़्यादा जल्दी इंटरप्रेट कर सकते हैं राइट right. तो बिल्कुल वैसा ही स्लाइड्स में भी होता है स्लाइड्स ट्रांजिशन ऐड कर देते हो जिससे आपकी स्लाइड्स आपकी प्रेजेंटेशन ज्यादा अट्रैक्टिव हो सके और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल रिडेबल बन सके और जो ऑडियंस है जिनके सामने आप अपनी स्लाइड्स को प्रेजेंट करने वाले हो वो उसे ज्यादा अच्छे से समझ सके और आप जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हो स्लाइड्स के माध्यम से जो आइडिया जो व्यूज आप शेयर करना चाहते हो वो भी इफेक्टिव वे में आप शेयर कर सको राइट सो बस इसी के लिए इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इनको आप स्लाइड्स में कैसे ऐड करते हो वो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सो प्रेजेंटेशन बी एनहांस्ड बाई एडिंग इमेजेस एंड पिक्चर्स इन इट जो लाइन मैंने अभी आपको बताई कि प्रेजेंटेश को आप इनहस कर सकते हो बाई एडिंग पिक्चर्स एंड इमेजेस स्टूडेंट्स अटेंशन ऑब्वियस इमेजेस क्या करता है प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग बनाता है और साथ ही जो ऑडियंस जो स्टूडेंट्स जो आपकी प्रेजेंटेशन को स्लाइड्स को देख रहे हैं उनका अटेंशन भी पाता है मतलब हम बोल सकते हैं कि यदि आपको अटेंशन बना के रखना है कि ऑडियंस जो आपके सामने बैठी है वो आपकी बात को सुने समझे जिस वे में आप समझा रहे हो जिस तरीके से आप बोल रहे हो बिल्कुल उसी वे में वो समझे भी सुने भी सुने प्रॉपर फीडबैक आपको मिले है ना जो कम्युनिकेशन आप करना चाह रहे हो जिस बात को आप समझाना चाह रहे हो वो समझ सके उसके लिए यहाँ पे आपको अपने प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव अंडरस्टैंडेबल रूडेबल बनाना होगा जिसके लिए इमेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है so if you choose the right graphics your presentation will become much more effective and appealing obvious अब ग्राफिक और पिक्चर add करने की बात आ रही है तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई भी पिक्चर उठा के लगा दिया कैसा भी लगा दिया आपके टॉपिक से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप समझा रहे हो जो आइडिया आप कन्वे करना चाहते हो जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो बेसिकली उसी के अकॉर्डिंग मतलब जैसा टेक्स्ट लिखा है आपने उसी के अकॉर्डिंग आपको राइट पिक्चर राइट इमेज का यूज़ करना होगा जिसकी मदद से आपका प्रेजेंटेशन इट विल बिकम मच मोर इफेक्टिव एंड अपीलिंग वो मच मोर इफेक्टिव होगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा प्रेजेंटेशन so में इमेज की ग्राफिक्स की पिक्चर्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको इन तीनों पॉइंट से अच्छे से आप समझ में आ गई यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया वॉट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजेस पिक्चर्स और ग्राफिक्स इन प्रेजेंटेशन यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आपको यही तीनों पॉइंट लिखकर आना है डियर स्टूडेंट्स आराम से अच्छे मार्क्स लेकर चले जाओगे ठीक है चलिए तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ इमेजेस की क्या इंपॉर्टेंस क्यों प्रेजेंटेशन में ऐड करते हैं व्हाई इमेजेस को ऐड करते हो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप टेबल ऐड करते हो स्लाइड्स में जैसे आपने स्लाइड्स में नया प्लेस होल्डर एड किया स्लाइड में आप कंटेंट ऐड करते हो बिल्कुल उसी तरीके से आप पिक्चर्स को भी ऐड करते हो ठीक है यहाँ पे सिर्फ कुछ टूल्स डिफरेंट होते हैं है ना पिक्चर डायलॉग बॉक्स होता है बट कोई भी इमेज को यदि आपको स्लाइड में प्रेजेंटेशन में ऐड करना है तो so उसके लिए पहले से वो पिक्चर या फिर वो ग्राफिक्स आपके सिस्टम में होना चाहिए ठीक है जब वो आपके सिस्टम में होगा वो फाइल आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करेगी इमेज फाइल और ग्राफिक फाइल पिक्चर फाइल जो भी आपको अपनी स्लाइड में ऐड करना है तब तो आप उसको इजीली ऐड कर पाओगे बट व्हाट अबाउट जब वो फाइल आपके सिस्टम में है ही नहीं और उसको आपको या किसी और इमेज को आपको अपने प्रेजेंटेशन में सेट करना है तब भी पावर पॉइंट जो है आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि बने बनाए बिल्ट इन पिक्चर्स आपको मिल जाते हैं पावर पॉइंट में आप उनका भी यूज़ कर सकते हो ठीक है समझ में आ रही है मेरी बात यदि आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको ऐसा लगता है कि जो बिल्ट इन पिक्चर्स पावर पॉइंट आपको प्रोवाइड कर रहा है वो आपके प्रेजेंटेशन के लिए आपके स्लाइड के अकॉर्डिंग सुटेबल है सही है तो आप उन्हें भी ऐड कर सकते हो राइट right. सो so, दो तरीके से हम इमेजेस को पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं और वो दो कौन से तरीके हैं वो अब हम यहाँ करने वाले हैं सो so, पहला तरीका कि आप इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हो जब आपके सिस्टम में वो इमेज पिक्चर फाइल एग्जिस्ट करती है कहीं किसी लोकेशन पे सेव है डेस्कटॉप पे आपने इमेज फाइल को सेव किया हुआ है माय पिक्चर्स फोल्डर में सी ड्राइव में डी ड्राइव में कहीं सेव किया हुआ है सो so, वहां से आप उस पिक्चर फाइल को स्लाइड में ऐड कर सकते हो या फिर यदि फाइल आपके सिस्टम में नहीं होती तो पॉवरपॉइंट आपको फैसिलिटी देता है ना क्लिप आर्ट का नाम तो से उन को इंसर्ट करना होता है स्लाइड्स में ठीक है सो so, दो तरीके बेसिकली हम यहां जानेंगे बाई यूजिंग फाइल एंड बाई यूजिंग क्लिप आर्ट यू कैन इंसर्ट इमेजेस ग्राफिक्स और पिक्चर्स इन योर स्लाइड ठीक है अब बात आती है यहां पर क्या कि इसको कैसे ऐड करना है इनके क्या स्टेप्स हैं क्योंकि क्वेश्चन जनरली एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं वॉट आर द स्टेप्स टू इंसर्ट इमेज टू अ फाइल इमेज टू अ स्लाइड बाई यूजिंग फाइल बाई यूजिंग क्लिप आर्ट तो स्टेप्स क्या लिख के होंगे तो बस अब हम स्टेप्स के साथ डिटेल में समझने वाले हैं एंड तक वीडियो में बने रहना ताकि आपको सारी स्टेप्स अच्छे से समझ में आए और आप सही सही आंसर एग्जाम में लिख कर आओ ठीक है सो इमेजेस कैन बी एडेड इन वेरियस वेज विच आर डिस्कस्ड एस फॉलो इमेजेस को आप वेरियस वेज के थ्रू इंसर्ट कर सकते हो प्रेजेंटेशन में एड कर सकते हो और वो तरीके अब हम डिस्कस करेंगे ठीक है जिसमें पहला तरीका क्या है इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम अ फाइल फाइल से आप फाइल से आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हो और ये फाइल आपके सिस्टम में पहले से एग्जिस्ट होना चाहिए पहले से स्टोर होना चाहिए चाहे फाइल आपके कहाँ पर स्टोर हो डेस्कटॉप पे स्टोर हो कोई फोल्डर में या सी ड्राइव डी ड्राइव में माई पिक्चर्स वगैरह डाउनलोड्स डॉक्यूमेंट्स किसी भी फोल्डर में सेव हो ठीक है so, सो पहले से फाइल सेव होना चाहिए तभी आप उस फाइल को अपनी स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन में ऐड कर पाओगे सो यू कैन इंसर्ट पिक्चर्स टू योर स्लाइड

पावर पॉइंट कैन इम्पोर्ट वेरियस टाइप ऑफ फाइल फॉर्मैट अब पॉवर पॉइंट में ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई एक ही टाइप की फाइल को आप इम्पोर्ट कर सकते हो कोई एक ही टाइप की फाइल को आप स्लाइड में एड करवा सकते हो पावर पॉइंट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है दैट यू कैन इम्पोर्ट एनी टाइप ऑफ इमेज फाइल फॉर्मेट किसी भी फॉर्मेट की इमेज फाइल को आप अपनी स्लाइड में एड कर सकते हो इंसर्ट कर सकते हो चाहे हम बात कर लें फाइल फॉर्मेट्स की तो इमेज के फाइल फॉर्मेट डिफरेंट होते हैं पेन ब्रश में जब आप कोई फाइल बनाते हो कहाँ बनाते हो पेन ब्रश में तो ब्रश में जब आप कोई फाइल बनाते हो तो वो बिट में फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन बी होता है बिटमैप फाइल ठीक है वैसे यदि आप किसी और सॉफ्टवेयर में कोई इमेज फाइल लेते हो या आप इंटरनेट से फाइल को डाउनलोड करते हो पिक्चर को डाउनलोड करते हो तो वो जेपी फॉर्मेट में हो सकती है ठीक है जी आई एफ फॉर्मेट में हो सकती है जेपी जी फॉर्मेट में हो सकती है पी एन जी फॉर्मेट में हो सकती है सो डिफरेंट फॉर्मेट की जो फाइल्स होती हैं इमेज फाइल्स होती है पावर पॉइंट उन सभी को सपोर्ट करता है अब फाइल को आपके सिस्टम में कैसे स्टोर करना है क्या लिखा है यहां फाइल सेव नहीं, नहीं। और कंप्यूटर फाइल आपके कंप्यूटर में सेव होना चाहिए तो फाइल को आप अपने कंप्यूटर में कैसे सेव कर सकते हो उसके भी तरीके होते हैं तो डिफरेंट तरीके होते हैं डिफरेंट सोर्स होते हैं जिसके थ्रू आप इमेज फाइल अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हो आप किसी सॉफ्टवेयर में इमेज क्रिएट कर सकते हो जैसे हम पैन ब्रश की बात कर रहे हैं ठीक है ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं फोटोशॉप वगैरह होता है जहाँ पे आप इमेज को क्रिएट कर सकते हो या फिर आप इंटरनेट सबसे बेस्ट सोर्स है किसी भी टाइप की इमेज पिक्चर फाइल को डाउनलोड करने का आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आपके पास कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज में पड़ी हो जैसे हम बात कर लें पी डी पेन ड्राइव्स के हार्ड ड्राइव्स वगैरह में पड़ी हो कुछ इमेजेस तो उसे भी आप सेव कर सकते हो अपने सिस्टम में उसके अकॉर्डिंग भी आप स्लाइड्स में ऐड करवा सकते हो सो डिफरेंट वे होते हैं इमेजेस को अपने सिस्टम में सेव करने के और फिर उसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड करने के सो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सपोर्ट्स डिफरेंट वेरियस फाइल फॉर्मेट्स ऑफ इमेजेस द मोस्ट कॉमन टाइप्स आर जीप जे पी जी जेपी जी पी एन जी एंड बी एम पी जो मैंने बताया ये चार टाइप के जो इमेज के फाइल फॉर्मेट है ये मोस्ट कॉमन है और यही सबसे ज्यादा चलते भी हैं इन्हीं मैं आप सबसे ज्यादा इमेजेस को देखते भी हूँ ठीक है सो जेपी जी जे पी ई जी जीप पी एन जी और बी एम पी दैट इज बिट मैप इमेजेस ठीक है जो पेंट ब्रश में स्पेसिफिकली क्रिएट की जाती है सो यू कैन इंसर्ट पिक्चर्स टू य टू योर स्लाइड्स from the file saved in your computer powerpoint can import various types of file formats like gif jpg bmp or bmp or png images right so itna acche se samajh mein aaya bahut important चीज मैंने बता दी है यहां पर ये क्वेश्चन आपसे exam में 2 marks में पूछा जा सकता है कि कितने file formats के according आप पावरपॉइंट में इमेज को ऐड करवा सकते हो तो ये इमेज के फाइल फॉर्मेट हो सकते हैं जो पावरपॉइंट सपोर्ट करता है ठीक है चलिए So, अब यदि पिक्चर इंसर्ट करना है जो कि आपके सिस्टम में पहले से सेव से है सो so उसके लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करनी होगी स्टेप्स प्लेस द कर्सर वेयर यू वॉन्ट टू इंसर्ट अ पिक्चर इन यूर स्लाइड आपको सबसे पहले स्लाइड में जिस जगह पर पिक्चर इंसर्ट करना है वहां पर कर्सर को प्लेस करना होगा ये बिल्कुल वही सेम स्टेप है जो टेबल इंसर्ट करते टाइम भी देखी थी दे। यदि आपको टेबल इंसर्ट करनी थी प्रीवियस चैप्टर में तो स्लाइड में आपको टेबल इंसर्ट करनी है सो so, बिल्कुल उसी तरीके से स्लाइड में जिस जगह पर आपको टेबल या पिक्चर इंसर्ट करनी है डियर स्टूडेंट्स उस जगह पर आपको क्या करना है उस जगह पर आपको कर्सर प्लेस कर लेना है सपोज इस पर्टिकुलर बॉक्स में आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आपने कर्सर को वहां प्लेस कर लिया ठीक पहली स्टेप तो क्लियर नाउ प्लेस द कर्सर वेर यू वॉन्ट टू इंसर्ट द पिक्चर इन योर स्लाइड क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब तो आप कौन से टैब की मदद से कौन से टैब की मदद से आप किसी पिक्चर को इमेज को अपनी स्लाइड में ऐड कर सकते हो इंसर्ट टैब जैसे इंसर्ट टैब की मदद से आप टेबल्स को इंसर्ट कर सकते थे स्लाइड में उसी तरीके से इंसर्ट टैब की मदद से आप पिक्चर्स को ग्राफिक्स को भी अपनी स्लाइड में ऐड कर सकते हो सो क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करना है Insert tab मिलेगा? वही file, home. उसके बाद आपको insert tab मिल जाएगा। पिक्चर ऑप्शन इन द इमेजेस इंसर्ट से जैसे किया किया था, click किया था पे जब टेबल इंसर्ट करनी थी चैप्टर 18 में बिल्कुल वैसे यहाँ पर इंसर्ट टैब से अब हमें टेबल्स की प्लेस पर क्या इंसर्ट करना है पिक्चर्स इंसर्ट करना है तो इंसर्ट टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा पिक्चर्स ऑप्शन किस ग्रुप में इमेजेस ग्रुप में ठीक है, है। है, है? के के से से आपको आपको को को कर लेना ध्यान समझो क्या बताया मैंने? यहां मैंने बताया, मैंने? मैंने पर पर पर। पर करना करना किस करने बाद एक ग्रुप ओपन होगा दैट इज इमेजेस ग्रुप कौन सा ग्रुप मिलेगा इमेजेस ग्रुप इमेजेस ग्रुप से आपको एक पिक्चर नाम का ऑप्शन मिलेगा ठीक है इस पिक्चर नाम के ऑप्शन को इस पिक्चर नाम के ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है जिसमें जिसका आइकन कुछ कुछ इस इस तरीके से होगा पिक्चर पिक्चर भी बनी so, सो ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है जैसे ही इसे सिलेक्ट करोगे सो so, क्या होगा एक इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा ठीक है अब पिक्चर ऑप्शन जो इंसर्ट टैब में मिल रहा है इसके थ्रू भी आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो या फिर इसके अलावा भी एक और ऑप्शन होता है क्या अप्लाई स्लाइड लेआउट दैट कंटेन्स पिक्चर अब ये स्लाइड लेआउट समझ में आ रहे हैं ना स्लाइड ले आउट स्लाइड लेआउट हमने सिक्सटीन सेवनटीन चैप्टर में पढ़ा था याद आ रहा है जहां पर मैंने बताया था कि आप जो स्लाइड प्रिपेयर करते हो ना उसके लिए आप पहले स्लाइड ले आउट देखते हो कि आपको कौन सी स्लाइड प्रिपेयर करना है किस लेआउट की कंटेंट वाली स्लाइड प्रिपेयर करना है कंटेंट के साथ पिक्चर हो वो वाली स्लाइड प्रिपेयर करना है या आपको कोई लिस्ट या टेबल के साथ में अप्लाई करना है तो डिफरेंट स्लाइड लेआउट आपको मिल जाते हैं अलग अलग स्लाइड के अकॉर्डिंग सो so, आप स्लाइड लेआउट से भी कौन सी स्लाइड को सिलेक्ट करोगे उस स्लाइड को सिलेक्ट करोगे जिसमें पिक्चर प्लेस होल्डर होगा ठीक है ऑलरेडी उसमें पिक्चर का प्लेस होल्डर होगा देन क्लिक ऑन द इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल आइकन तो बस आपको फाइल आइकन से इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक कर लेना है मतलब स्लाइड लेआउट से अब स्लाइड लेआउट कैसा होता है देखो भाई स्लाइड लेआउट इस तरीके से होता है एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स आपको दिखती है ये पिक्चर वाली स्लाइड है ठीक है ये कंटेंट वाली स्लाइड ये टाइटल वाली स्लाइड दिख रही है तो यहां से आपको क्या करना है यहां से आपको पिक्चर वाली स्लाइड को सिलेक्ट कर लेना है ये पिक्चर वाली स्लाइड हमने सिलेक्ट कर ली जिसमें आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे साइड में पिक्चर बॉक्स दिख रहा है पिक्चर बॉक्स का प्लेस होल्डर दिख रहा है तो इस स्लाइड को आपने सिलेक्ट कर लेना है जैसे ही आप इस पिक्चर वाली स्लाइड को सिलेक्ट कर हो तो इसमें इंसर्ट पिक्चर आ, पर क्लिक कर लेना है किस पर इंसर्ट पिक्चर सर पिक्चर पर मतलब यहां पे देखो जैसे आपने स्लाइड सेलेक्ट किया ना तो आपकी जो स्लाइड है सपोज आपने जैसे यह स्लाइड सेलेक्ट किया तो ये स्लाइड आपके सामने शो हो जाएगी ये स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी यहाँ आपने कुछ कंटेंट ऐड किया यहाँ पे एक पिक्चर बॉक्स होगा जहां पर एक ऐसा छोटा सा फाइल जैसा बॉक्स बना होगा ये इंसर्ट पिक्चर बटन होगा बेसिकली फाइल आइकन होगा इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करोगे तो इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा बात समझ में आ गई दोनों ऑप्शन मैंने यहाँ बताए पहला ऑप्शन तो ये कि इंसर्ट टैब पर जाकर पिक्चर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो इंसर्ट टैब पे जाके पिक्चर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो तब भी इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स खुलेगा या फिर ऐसा नहीं करना है तो आप क्या करो स्लाइड लेआउट पे जाओ स्लाइड लेआउट अप्लाई करते हो ना स्लाइड लेआउट पता है ना क्या मिलता है स्लाइड लेआउट पे जाने के बाद वो स्लाइड लेआउट को सिलेक्ट करो जिसमें पिक्चर प्लेस होल्डर हो तो इस स्लाइड लेआउट से हमने इस्लाइड लेल्डर को सिलेक्ट कर लिया है ना उस पिक्चर प्लेस होल्डर को आप क्लिक करोगे जैसे ही तो उसमें एक आइकन दिखेगा आपको फाइल फाइल आइकन आइकन उस पे क्लिक कर लेना है ना जिसके थ्रू आप पिक्चर को इंसर्ट कर पाओगे तब भी आपके सामने एक इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा ठीक सोन देन यू विल नाउ सी द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स यही बताया मैंने कि इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स आपके सामने शो होगा। अब इस इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स में क्या दिखेगा और कैसा होगा ये इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखेगा ठीक है अब ये इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स की कहानी हम एम एस में भी समझ चुके हैं जब हमने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूनिट कंप्लीट किया था यूनिट थ्री इसको हम एक्सेल में भी जान चुके हैं जब हमने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वाला यूनिट कंप्लीट किया वहां भी मतलब डॉक्यूमेंट्स में भी आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो एक्सेल स्प्रेडशीट में भी आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो बिल्कुल वही सेम तरीके से वही सेम डायलॉग बॉक्स के थ्रू आप स्लाइड्स में भी पिक्चर्स ऐड कर सकते हो है ना सो इंसर्ट टैब में पिक्चर्स ऑप्शन वर्ड में भी मिलता है एक्सेल में भी मिलता है पॉवर पॉइंट में भी मिलता है सो इंसर्ट टैब में पिक्चर ऑप्शन पे आपने क्लिक किया है सो इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स खुला या फिर यहाँ पे

और इमेज फाइल आपके सिस्टम में जब पहले सेव होगी सो so जिस भी लोकेशन पे सेव होगी तो लेफ्ट साइड से आपको वो लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी लेफ्ट साइड से आपको वो लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी सो so इस लेफ्ट साइड में आप देखो इस लेफ्ट साइड में आप देखो आपको यहाँ फेवरेट्स डेस्कटॉप रीसेंट दिस पीसी डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरीज माय पिक्चर्स सी ड्राइव डी ड्राइव सारी लोकेशंस दिख जाएंगे सो so, जहां भी आपकी फाइल सेव होगी इमेज फाइल सपोज डेस्कटॉप पे सेव है तो आपने यहाँ से डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेना है अब डेस्कटॉप जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो डेस्कटॉप पे जितनी भी इमेज फाइल्स हैं जितनी भी इमेज फाइल्स है, वो सब आपको, हो रही है। अब आपको अपनी स्लाइड में आपको अपनी स्लाइड में जहां पर स्लाइड में आपने कर्सर प्लेस किया हुआ है जहां पे स्लाइड में आपने कर्सर प्लेस किया हुआ है जिस जगह पर आपको इमेज इंसर्ट करनी है जिस प्लेस होल्डर में तो यहां से उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है तो यहाँ पर देखो राइट साइड में पिक्चर्स शो हो रही है लेफ्ट साइड में लोकेशन दिख रही है लोकेशन के अकॉर्डिंग लोकेशन सेलेक्ट किया उस लोकेशन पर जितनी भी पिक्चर्स है सब आपको विजिबल हो रही है अब जो भी पिक्चर पिक्चर आपको स्लाइड में ऐड करनी है उस को कर लेना सपोज ये डेजर्ट वाली पिक्चर हमें सिलेक्ट करना है तो आपने यहाँ से इस डेजर्ट वाली पिक्चर को सिलेक्ट किया तो फाइल नेम में ये जो आपको फाइल नेम दिख रहा है ना इस फाइल नेम में बेसिकली जो पिक्चर आपने सिलेक्ट करी है उसका नाम शो होगा उस पिक्चर का नाम शो होगा देन जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करोगे किस पे क्लिक करोगे आप ओपन पे क्लिक करोगे सो so ये सेम पिक्चर जो आपने यहाँ सेलेक्ट की है वो आपको इंसर्टेड दिखेगी इस जगह पे सो so डेजर्ट वाली जो पिक्चर है ना बेसिकली वो आपकी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी आई बात समझ में ये सेम पिक्चर जो इंसर्ट पिक्चर से आपने सिलेक्ट किया सो so कुल मिला डिटेल में अच्छे से स्टेप समझ में आई So, क्या करना है बेसिकली इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स के थ्रू जैसे ही इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होता है सिलेक्ट द फोल्डर फ्रॉम वेयर यू वॉन्ट टू इंसर्ट द पिक्चर आपको उस लोकेशन से उस पर्टिकुलर फोल्डर को सिलेक्ट करना है जहां पर आपकी पिक्चर सेव है नाउ चूज द डिजायर्ड फाइल और फिर फिर उस फोल्डर से आपको उस फाइल को इमेज फाइल को सिलेक्ट करना है जिस पिक्चर को आप ऐड करना चाहते हो एंड क्लिक ऑन दी इंसर्ट बटन और ओपन बटन और सिंपली डबल क्लिक ऑन दी पिक्चर या फिर आप उस पिक्चर पर डबल क्लिक कर दोगे या ओपन इंसर्ट बटन पे क्लिक कर दोगे ना तो वो पिक्चर बेसिकली आपकी स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी ठीक है देन इट विल इंसर्ट इनटू द स्लाइड क्लियर सो कैसे पिक्चर को इंसर्ट करना है क्या स्टेप्स बेसिकली फॉलो करनी अच्छे से समझ में आ गया दो तरीके हैं जब आप इमेजेस को अपनी स्लाइड में ऐड करवा सकते हो पहला तरीका कि जब आपकी फाइल आपके सिस्टम में सेव है वेन इमेज इज सेव्ड इन योर फाइल आप किसी फाइल से इमेज को अपनी स्लाइड में एंटर करवाना चाहते हो तो यहाँ भी आप दो तरीके यूज कर सकते हो इसमें भी कौन से एक तो इंसर्ट टैब से आप पिक्चर ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप स्लाइड लेआउट से पिक्चर प्लेस होल्डर को सिलेक्ट कर सकते हो ठीक है दोनों जगह से आप पिक्चर को इंसर्ट कर पाओगे इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा बस क्या करना है इस डायलॉग बॉक्स से आपको लोकेशन सिलेक्ट करना है पिक्चर सिलेक्ट करना है वो पिक्चर स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगा नाउ वी आर ऑन सेकेंड वे पहला तरीका हमें अच्छे से समझ में आया दूसरा तरीका दिया हुआ है इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम क्लिप आर्ट जो मैंने बताया क्लिप आर्ट की मदद से भी आप अपनी स्लाइड में इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हो अब डोंट वरी इसका प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे ऐसा मत सोचना कि बस थियोरिटिकली समझ रहे हैं है ना प्रैक्टिकल भी देखेंगे थ्योरी समझाने का मोटिव मेरा सिर्फ इतना होता है कि आप यहाँ पर जब चीज़ों को देखोगे स्टेप्स देखोगे इमेजेस को देखोगे तो आपको सारी चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगी और साथ ही आप जब एग्जाम में बैठोगे लिखने तो आपको मेरी बातें रिकॉल होगी आप जब भी इमेज के बारे में सोचोगे सपोज सेम क्वेश्चन ऐसा उठ के आ गया हाउ टू तो इंसर्ट इमेज फ्रॉम क्लिप तो आपको वो स्टेप्स, वो स्टेप्स सारी चीजें याद आएंगी जो मैंने आपको पढ़ाई है जो हमने थ्योरिटिकली समझी है अदर देन प्रैक्टिकल राइट सो इसीलिए थ्योरिटिकली भी हर चीज को समझना ना कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि प्रैक्टिकली आप उसको अच्छे से समझ सको क्लियर सो क्लिप आर्ट क्या हुए क्लिप आर्ट वो इन पिक्चर्स होते हैं वो बने बनाए पिक्चर्स होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर में सेव होते हैं पहले से आपको यहाँ पर अलग से कोई इमेज फाइल को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इसमें ऑलरेडी बनी बनाई कुछ इमेजेस होती हैं जिन्हें हम क्लिप आर्ट कहते हैं बस आपको इन क्लिप्स को इन पिक्चर्स को अपने जो भी स्लाइड्स हैं प्रेजेंटेशन है एक्सेल की शीट है डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे ऐड करना होता है क्लिप आर्ट आपको एक्सेल में भी मिलता है वर्ड में भी मिलता है स्लाइड्स में भी मिलता है प्रेजेंटेशन में भी मिलता है तीनों सॉफ्टवेयर में आपको यही सेम क्लिप आर्ट्स मिल जाते हैं तो आप यदि डॉक्यूमेंट में पिक्चर ऐड करना चाहते हो तो भी आपको यही सेम स्टेप्स फॉलो करना है यदि आप एक्सेल में पिक्चर्स को ऐड करना चाहते हो तो भी आप यही सेम स्टेप फॉलो करोगे या फिर आप स्लाइड्स में भी ऐड करना चाहोगे तो जो आप स्टेप्स बताने वाली हूँ ये स्टेप्स सेम रहेंगी तीनों सॉफ्टवेयर के लिए आई बात समझ क्योंकि तीनों में क्लिप आर्ट होते हैं और तीनों में इसी तरीके से आप इन क्लिप्स का यूज कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स में आप इन्हें ऐड कर सकते हो जब यदि आपके पास सिस्टम में फाइल नहीं है आपको क्विकली किसी पिक्चर का यूज़ करना है तब ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है तो ये क्लिप आर्ट बेनिफिशियल कब हुए बेसिकली तब बेनिफिशियल होते हैं जब आपके पास में इमेज आपके सिस्टम में नहीं है और आपके पास कोई सोर्स भी अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू आप इमेज को डाउनलोड कर सको या एक्सेस कर सको तब ये क्लिप आर्ट्स में जो क्लिप्स होती हैं आप इन्हें क्विकली अपने स्लाइड्स में ऐड कर सकते हो ठीक है सो क्लिप आर्ट इज यूज टू एड पिक्चर्स इन स्लाइड क्लिप आर्ट पिक्चर्स को अपनी स्लाइड में ऐड करने के लिए यूज किए जाते हैं यू कैन ऐड क्लिप आर्ट इमेजेस टू द एग्जिस्टिंग स्लाइड एंड एनहांस इट्स अप्योरेंस

सो so, अब हम स्टेप्स पढ़ लें ताकि आपको स्टेप्स के अकॉर्डिंग आसानी से चीजें समझ में आ सके देखो यदि आपको क्लिप आर्ट इंसर्ट करना है तो आपको वही सेम स्टेप्स फॉलो करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब इंसर्ट टैब में से ही आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हो पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हो क्लिप आर्ट भी इंसर्ट कर सकते हो सिंबल्स ग्राफिक्स जो भी आपको ऐड करना है इंसर्ट करना है वो आप स्लाइड से इंसर्ट टैब से करते हो सो इंसर्ट टैब में ही आपको क्लिप आर्ट बटन मिलेगा क्या मिलेगा क्लिप आर्ट बटन कहाँ पर किस ग्रुप में इमेजेस ग्रुप में मीन्स मैं यहां पे बात कर रही हूं इंसर्ट टैब की इंसर्ट टैब पर आपने जब क्लिक किया तो इस इंसर्ट टैब पर इमेजेस ग्रुप होगा कौन सा ग्रुप है इमेजेस ग्रुप ठीक है टेबल्स ग्रुप होता है जिसमें टेबल्स ऑप्शन होता है इमेजेस ग्रुप है जहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखता है तो एक पिक्चर ऑप्शन होता है ठीक है ये पहला ऑप्शन पिक्चर ऑप्शन इसके थ्रू कैसे इंसर्ट करना है इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स के थ्रू वो देख लिया ठीक है पिक्चर ऑप्शन के पास में आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लिप आर्ट कौन सा मिलता है क्लिप आर्ट ठीक है इस क्लिप आर्ट ऑप्शन को जब आप सिलेक्ट करते हो इस क्लिप आर्ट ऑप्शन को जब आप सिलेक्ट करते हो इंसर्ट टाइप के इमेजेस ग्रुप से क्लिप आर्ट ऑप्शन को जब आप सिलेक्ट करते हो द क्लिप आर्ट टास्क पेन इज डिस्प्लेड एट द राइट साइड ऑफ द विंडो जो विंडो है आपकी ठीक है मीन्स कुछ इस तरीके से ये आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड की विंडो है ठीक है जहाँ पे आपको अपनी स्लाइड दिख रही है और इस साइड पे इसके थंबनेल्स दिखते हैं आपको ठीक है इस साइड पे इन्हीं स्लाइड्स के आपको छोटे छोटे थंबनेल्स दिखते हैं राइट right? ये पावर पॉइंट स्लाइड है हमारी सो so, इस पावर पॉइंट स्लाइड के राइट right साइड में इस राइट right साइड में इस पावर पॉइंट स्लाइड के राइट right साइड में ये राइट पेन है लेफ्ट पेन ये मिडिल मिडिल में आपको अपनी स्लाइड शो हो रही है वो सिलेक्टेड स्लाइड जिसमें आपको पिक्चर इंसर्ट करना है इस राइट right साइड में आपको दिखेगा क्या इस राइट right साइड में आपको क्लिप आर्ट टास्क पेन दिखेगा अब ये जो क्लिपर टास्क पेन है वो कैसा दिखता है क्लिपर टास्क पेन कुछ इस तरीके से दिखता है कैसा कुछ इस तरीके से ध्यान से देखो इस क्लिपर टास्क पेन से अब आपको बेसिकली क्या करना है इस क्लिपर टास्क पेन से अब आपको क्लिप्स को पिक्चर्स को इमेजेस को ऐड करना है ठीक है तो पहले टास्क पेन समझ लें ताकि आपको क्लिप्स को ऐड करने में कोई परेशानी नहीं जाए इस टास्क पेन को देखो ये सेम टास्क पेन आपको यहाँ पे शो होगा ठीक है राइट साइड में क्लियर सो क्लिप आर्ट टास्क पेन में आपको टॉप पे दिखेगा कि आप क्लिप आर्ट ऐड करने वाले हैं तो यहाँ क्लिप आर्ट लिखा रहेगा क्रॉस का बटन रहेगा है ना फिर कुछ टेक्स बॉक्सेस रहेंगे देन कुछ क्लिप्स रहेंगे अरेन्ज देन आपको जो भी क्लिप इंसर्ट करनी है उसको सिलेक्ट कर लेना है ठीक है चलिए तो अब यहाँ देखो इसमें सबसे पहले सर्च फॉर सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको एक ऑप्शन सर्च फॉर और उसके नीचे आपको यहाँ पे एक टेक्स बॉक्स दिख रहा है ठीक है अब आप सपोज ये जो स्लाइड बना रहे हो ये स्लाइड बेसिकली आप कंप्यूटर से रिलेटेड बना रहे हो है ना यहाँ जो कंटेंट आपने लिखा हुआ है कंप्यूटर से रिलेटेड कंटेंट लिखा हुआ है सपोज कोई टीचर है या मैं हूँ आपको कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपको स्लाइड बनानी है प्रेजेंटेशन बनानी है जिसमें आप यहाँ पे कंप्यूटर का पिक्चर लगाना चाहते हो कंप्यूटर की इमेज लगाना चाहते हो इस स्लाइड में आप कंप्यूटर डिवाइसिस क्या होते हैं क्या हार्डवेयर्स होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप स्लाइड्स में रखना चाहते हो और उन्हीं से रिलेटेड आप पिक्चर्स को इंसर्ट करना चाहते हो राइट सो बेसिकली आपको क्या करना है इस स्लाइड में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड पिक्चर्स लगानी है तो क्लिप आर्ट में जो सर्च फॉर बॉक्स है उसमें आपने कंप्यूटर लिख देना है क्या लिख देना है कंप्यूटर जैसे ही आप इस सर्च फॉर बॉक्स में सर्च के लिए कंप्यूटर लिखते हो और गो पर क्लिक करते हो और गो पर क्लिक करते हो तो आपके सामने सारी कंप्यूटर से रिलेटेड इमेजेस आ जाएंगी जैसे मैंने आपको बताया कि क्लिप आर्ट में डिफरेंट फील्ड्स की पिक्चर्स अवेलेबल होती है नॉट फॉर कंप्यूटर ओनली, बिजनेस फील्ड से रिलेटेड एंटरटेनमेंट से रिलेटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड मेडिसिन से रिलेटेड अलग अलग फील्ड से रिलेटेड आपको यहाँ क्लिप आर्ट्स मिल जाएंगे ठीक है सो आपको कहीं ज्यादा भटकने की भी जरूरत नहीं है आपको सर्च फ़ॉर में सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक का नाम लिखना है जिससे रिलेटेड आप पिक्चर्स सर्च करना चाहते हो जिससे रिलेटेड पिक्चर आप अपनी स्लाइड में एंटर करना चाहते हो तो सर्च फ़ॉर में क्या लिख दिया भाई सर्च फॉर में हमने कंप्यूटर लिखा और गो पर क्लिक किया जैसे ही गो पे क्लिक करते हो तो आप देखो गो पर क्लिक करने के बाद आपको यहां डिफरेंट कंप्यूटर से रिलेटेड इमेजेस दिख रही है अब कंप्यूटर से रिलेटेड मीन कंप्यूटर में आपके डिफरेंट डिवाइसेस होता है ना कंप्यूटर लैपटॉप पीसी मोबाइल फोन हार्ड डिस्क हार्ड ड्राइव कीबोर्ड माउस स्कैनर प्रिंटर सभी से रिलेटेड इमेजेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगी ठीक है सो कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड जितने भी पिक्चर्स होंगे होंगे जितने भी इमेजेस क्लिप्स वो सब आपको इमे दिख जाएंगे सिर्फ ये चार पिक्चर ही नहीं दिखेंगे सिर्फ ये चार पिक्चर जो आपको दिख रही है सिर्फ ये चार ही नहीं बल्कि आप यहाँ पे जब इस वर्टिकल स्क्रोल बार को आप देख रहे हो यहां पर स्क्रोल बार भी आपको दिख रहा है इस वर्टिकल स्क्रोल बार को जब आप स्क्रोल करोगे नीचे तो आपको और इमेजेस मिलती चली जाएंगी मीन्स कि यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 10 टू 20 इमेजेस मिलेंगी कंप्यूटर से रिलेटेड अब जो भी इमेज आपको अच्छी लगे इनमें से जो भी इमेज आपको अच्छी लगेगी जो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ पे प्लेस करने से सुटेबल रहेगी आपका कंटेंट और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा इफेक्टिव हो जाएगा इस इमेज से तो जो इमेज आपको अच्छी लगती है उस इमेज को बेसिकली आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है सपोज ये इमेज अच्छी लग रही है सो so इसे आपने सिलेक्ट कर लेना है ठीक है, जैसे ही इस इमेज को सिलेक्ट करोगे जैसे ही इस इमेज को सिलेक्ट करोगे तो बेसिकली ये इमेज आपकी कहां शो होगी? ये इमेज आपको यहाँ पे इस तरीके से शो होगी, जहां आपने स्लाइड में इमेज बॉक्स लगाया होगा जहां आपने स्लाइड में इमेज बॉक्स लगाया होगा जहां कर्सर प्लेस होगा प्लेस होल्डर होगा उस जगह पर आपको इमेज प्लेस होकर शो होगी आई बात समझ में क्या करना है इंसर्ट टैप पर जाना है इंसर्ट टैप पर पिक्चर ना सिलेक्ट करके आपको क्लिप आर्ट सिलेक्ट कर लेना है इमेज ग्रुप से इंसर्ट टैप पर इमेज ग्रुप से पिक्चर ना सिलेक्ट करके आपको क्लिप आर्ट सिलेक्ट करना है जैसे ही क्लिप आर्ट सिलेक्ट करोगे सो आपका जो पावर पॉइंट स्क्रीन है है ना उसमें राइट right पेन में लेफ्ट साइड में थमनल शो होते हैं स्लाइड्स के मिडिल में आपको स्लाइड शो होती है राइट right साइड में राइट right साइड में आपको क्लिप आर्ट पेन शो होगा जिसमें जिसमें आपको सबसे टॉप पर यहां पर शो होंगे क्या सर्च फॉर बटन क्या शो होगा सर्च फॉर बटन जिसमें आपको सर्च करना है कंप्यूटर टॉपिक को तो आप कंप्यूटर लिखोगे और जैसे ही गो पर क्लिक करोगे कंप्यूटर लिखने के बाद जैसे ही गो पर क्लिक करोगे तो यहां नीचे आपको डिफरेंट इमेजेस मिल जाएगी कंप्यूटर से रिलेटेड डिफरेंट इमेजेस कंप्यूटर से रिलेटेड मिल जाएगी ठीक तो जो भी इमेज आप सिलेक्ट करोगे जो भी इमेज यहां से आपने सिलेक्ट करी वो इमेज तुरंत आपके सिस्टम में जहां जिस जगह आपका कर्सर प्लेस होगा जो इमेज का प्लेस होल्डर होगा वहां पे शो हो जाएगी सो so, ओवरऑल यही स्टेप्स है अब बात कर लेते हैं यहां पे क्लिप आर्ट वाले पेन में देखो सर्च फॉर के बाद एक ऑप्शन और शो हो रहा है एक टेक्स्ट बॉक्स और शो हो रहा है इसका क्या काम है इसके बारे में भी समझ लें यहां लिखा है रिजल्ट शुड बी मतलब आप जो भी टॉपिक ऊपर लिखोगे सर्च फॉर में जो भी टॉपिक लिखोगे कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिसिटी वॉट एवर जिससे भी रिलेटेड आपको इमेजेस चाहिए जो भी टॉपिक आप ऊपर लिखोगे उसका रिजल्ट किस टाइप की फाइल्स होंगी ये डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा रिजल्ट शुड भी रिजल्ट कैसा होगा ये जो इमेजेस होंगी वो कैसी होंगी ऑल मीडिया फाइल टाइप्स मतलब किसी भी मीडिया

है ना सो so, आगे की स्टेप्स क्या है वही स्टेप्स जो मैंने अभी आपको बताई क्लिक ऑन इंसर्ट टैब क्लिक ऑन क्लिप आर्ट बटन इन द इमेजेस ग्रुप ठीक द क्लिप आर्ट टास्क पेन इज डिस्प्लेड एट द राइट साइड ऑफ द विंडो

हमने टाइप किया कंप्यूटर क्योंकि हम कंप्यूटर से रिलेटेड इमेजेस को इंसर्ट करना चाहते थे फॉर एग्जांपल टाइप कंप्यूटर इन द सर्च फॉर टेक्स्ट बॉक्स कहाँ टाइप किया था हमने कंप्यूटर सर्च फॉर टेक्स्ट बॉक्स में एंड क्लिक ऑन गो बटन जैसे ही गो बटन पे क्लिक किया तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी इमेजेस डिस्प्ले होने लगी राइट सो इट विल डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ क्लिप आर्ट इमेजेस रिलेटेड टू द कंप्यूटर सो इट विल डिस्प्ले लिस्ट ऑफ क्लिप आर्ट इमेजे टू दूटर ठीक है अब इस लिस्ट में जो भी इमेज आपको अच्छी लगेगी उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो इमेजेस को देखने के लिए आप क्या करोगे विव वे दस इमेजेस बायिंग वर्टिकल स्क्रोल वार किसका यूज करोगे आप वर्टिकल स्क्रोल बार का वर्टिकल स्क्रोल बार की मदद से आप स्क्रोल डाउन करके इमेजेस को सर्च कर सकते हो इमेजेस को देख सकते हो जो इमेज आपको अच्छी लगेगी वो इमेज आपको सिलेक्ट कर लेनी है नाउ क्लिक ऑन डिजायर्ड क्लिप टू इंसर्ट इन द स्लाइड फिर आपको जो भी क्लिप उन सभी में से अच्छी लगती है जो इमेज उन सभी में से अच्छी लगती है उस पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप उस पर माउस का लेफ्ट क्लिक करोगे वो इमेज स्लाइड में उस जगह पर इंसर्ट हो जाएगी जहां आप इंसर्ट करना चाहते हो आई बात समझ में जैसे मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल उसी तरीके से स्लाइड में वो इमेजेस उस पर्टिकुलर जगह पर इंसर्ट हो जाएगी जिस क्लिप को आप सिलेक्ट करोगे ठीक है ये स्लाइड का व्यू है स्लाइड का स्क्रीन है यहाँ पे हमने देखा था कि यहां क्लिप में से आपने क्लिप सेलेक्ट किया जो क्लिप आपने सेलेक्ट किया वो स्लाइड में उस जगह पर इंसर्ट हो जाएगी ठीक है सो क्या देखा हमने आज की इस वीडियो में बेसिकली आज की इस वीडियो में हमने देखा कि स्लाइड्स में आप इमेजेस कैसे इंसर्ट कर सकते हो स्लाइड में यदि इमेजेस आपको इंसर्ट करनी है तो आप क्लिप आर्ट का यूज कर सकते हो यू कैन इंसर्ट इमेज बाय यूजिंग क्लिप आर्ट इंसर्टिंग इमेज फ्रॉम क्लिप आर्ट क्लिप आर्ट की मदद से जिसमें आपको क्लिप आर्ट राइट साइड में क्लिप आर्ट पेन दिखता है जिसमें आप क्लिप्स को सिलेक्ट कर सकते हो जो बिल्ट इन पिक्चर्स बने बनाए रहते हैं पहले से पॉवर पॉइंट में वहीं आप यूज कर सकते हो सेकेंड वे इंसर्टिंग अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल आप किसी एग्जिस्टिंग फाइल जो आपके सिस्टम में सेव है उसको भी एज ए इमेज अपनी स्लाइड में ऐड कर सकते हो बाय यूजिंग इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स सो दो तरीके हमने पिक्चर को इंसर्ट करने के आज इस वीडियो में देखे इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स के थ्रू आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो क्लिप आर्ट के थ्रू भी आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो और दोनों तरीके बहुत इजी हैं दोनों ऑप्शंस आपको एक ही टैब में मिलते हैं जिसे हम इंसर्ट टैब कहते हैं इंसर्ट टैब में ही आपको दोनों ऑप्शंस मिलते हैं वहीं से आप पिक्चर को ईजी वे में इंसर्ट कर सकते हो कोई बहुत ज्यादा स्टेप्स आपको इसके लिए फॉलो नहीं करनी होती है और यही सेम तरीका हम वर्ड में भी देख चुके हैं और एक्सेल में भी देख चुके हैं दोनों में आप पिक्चर इसी तरीके से इंसर्ट कर सकते हो ठीक है क्लिप आर्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है यदि आपके सिस्टम में या आपके पास कोई सोर्स नहीं है कि आप फाइल को इंसर्ट कर सको अपने सिस्टम में तो बने बनाए क्लिप्स को आप यूज कर सकते हो और क्विक वे में अपनी स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हो राइट सो so, अच्छी भी लगी वीडियो तो इसे आप लाइक like, शेयर कर सकते हो मैग्नेट बीन्स आपको ना सिर्फ के बल्कि प्रोवाइड करता है सीबीएसई हिंदी इंग्लिश मीडियम एन टी एस सी ओलम्पियाड यू टी स्पोकन इंग्लिश यूपी बिहार बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन और अब तो डियर स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन आपको प्रोवाइड कर रहा है बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी मीन्स यदि आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स और ई बुक्स को एक्सेस करना या फिर स्पेशल बुकलेट्स को एक्सेस करना जैसे एम सी क्यू बुकलेट सैम्पल पेपर बुकलेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुकलेट जो कि हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई गई है सो so, कैसे एक्सेस करोगे आप डिस्क्रिप्शन में आपको बुक्स ही बुक्स की लिंक मिल जाएगी उस लिंक पर क्लिक करना जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे एक गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना फिल करते से ही टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी मैग्नेट ब्रेन्स में जितनी भी वीडियोस हैं उन्हें आप एक्सेस कर सकते हो ना सिर्फ यूट्यूब प्लेलिस्ट के थ्रू बल्कि आप मैग्नेट ब्रीन्स डॉट कॉम वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को हंड्रेड फ्री बिना कोई पेमेंट करे देख सकते हो कितनी भी बार यदि कोई लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो फेसबुक इंस्टा ट्विटर जैसे पेजेस को भी ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो साथ ही साथ अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो सो so, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ डोंट मिस दिस वीडियो स्टे ट्यून विद मी थैंक यू सो मच